इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर दिन एक पौधा लगाने के अपने संकल्प के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर प्रवास के दौरान सर्किट हाउस में नीम और बरगद के पौधों का रोपण किया। पौधारोपण के दौरान जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जामदार सहित अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। और अब अकेला नहीं, मेरे साथ कोई न कोई स्वयं सेवी संगठन समाज सेवी पौधा लगाते हैं। ये हम पौधा नहीं लगाते, जीवन रोपते हैं। धरती को बचाने का अभियान है ये हमारा, क्योंकि पौधा न केवल हमें ऑक्सीजन देता बल्कि एक वृक्ष पौधा कई जीव जंतुओं को, कीट पतंगों को आश्रय देता है। चिड़ियाएं उस पर बैठ के चहचाती है, पक्षियों को जिंदगी मिलती है, धरती को नवजीवन मिलता है। इसलिए मेरी सबसे अपील है, अपने जन्मदिन पर, शादी की वर्षगांठ के अवसर पर, अपने बेटा बेटियों के जन्मदिन पर या अपने माता पिता की पुण्य स्मृति में पेड़ जरूर लगाएं, धरती बचाएं। संस्कार धानी में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में शामिल होने आए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार 15 महीने की सरकार का लिखित में झूठ जनता के सामने उजागर हो गया। कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है, जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ और राजस्थान आज भुगत रहा है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। ये दिखाना चाह रहे होंगे खुद के घोषणा पत्र पे तो इन्हें अमल नहीं किया 15 महीने में। पूरे 15 महीने में 15 योजनाएं ऐसी नहीं थी, एक योजना ऐसी नहीं थी जो ज़मीन पे आई। जनता ने इनका लिखित में झूठ देखा है, पढ़ा है, सुना है। सुने से उपाय, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, कह गए थे 2 लाख तक का कर्जा माफ़ कर देंगे और नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल देंगे 10 दिन में। 15 महीने में एक का 2 लाख माफ़ नहीं हुआ, पर मुख्यमंत्री भी नहीं बदला। और उस पर सवाल तो माँ ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गया। अगर बदलते तो 1 महीने में 3 बदलते, 15 महीने में 45 मुख्यमंत्री होते, इतने मंत्री नहीं थे। नौजवानों को कर्जा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। तो लगातार सीरीज में झूठ बोलने वाली पार्टी कांग्रेस है। अब छत्तीसगढ़ को ले आए या राजस्थान को ले आए, छत्तीसगढ़ के लोग छत्तीसगढ़ में भुगत रहे और राजस्थान के लोग राजस्थान में भुगत रहे, और उन दोनों का खामियाजा कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भुगता। 279 सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जबलपुर मंडला से आ रही जबलपुर बस तेज रफ्तार में डिवाइडर से टकराकर और काफी दूर तक चली गई। उस दौरान ड्राइवर निकलकर भाग गया, सवारी उतर के वही खड़ी होकर परेशान होती रही। देखा कि रॉन्ग साइड में भाग रहा था और उस से डंपर जा रहा था, तो इसने इससे रॉन्ग साइड से इसने गाड़ी घुसेड़ दी। मरते मरते बच्चे जी लोग हमारी कितनी स्पीड में रही, बहुत स्पीड में रही है, वो तो मैं जानता। ये ओवरटेक कर रहा था और जबरदस्ती घुसेड़ दी यहाँ पे लाके। यहाँ पे लापरवाही है, बेमतलब चलाते हैं गाड़ी और लोग मरते करते कोई सुनवाई नहीं। अभी कितने लोग घायल हुए? अभी घायल तो नहीं हुए, बच गए उसमें, मर जाते नहीं तो बहुत लोग। सवारी बैठी थी, सवारी पूरी बैठी थी। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग जामदार हॉस्पिटल जबलपुर, नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM, पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बायपास चौक के पास, जबलपुर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा अनुसूचित जाति मोर्चा के संभागी सोशल मीडिया प्रभारी आशीष अहिरवार के घर चाय पीने पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जोश के साथ आत्मीय स्वागत करते हुए अहिरवार ने कहा कि बड़े सम्मान की बात है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एक छोटे से कार्यकर्ता का ध्यान रखते हैं। आशीष अहिरवार ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि उनके घर पहुंचे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का से मुलाकात जो है आत्मीय भेंट हुई, और हर मोमेंट में जो है आपका हर हमारे घर में जो है आपका चाय का एंजॉय किया, उनने नाश्ते का एंजॉय किया, मेरी माता श्री के बनाए हुए हाथों के मंगोड़े का एंजॉय किया, बड़े बने हुए थे और तमाम क्या बोलते हैं आपका समा खाने की चीज़ों को जो है बहुत ही अच्छी तरह से एंजॉय किया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय CM साहब ने जो है बहुत अच्छा संदेश दिया है समाज को कि समरसता के साथ में आगे बढ़ते रहना चाहिए और प्रत्येक कार्यकर्ता का ऐसा ही मनोबल बढ़ाना चाहिए। इसी को लेके जो है माननीय सिंधिया जी का भी एक अलग ही रूप रहा, बहुत आत्मीय तरीके से मिले। माननीय VD शर्मा जी ने जो है बहुत दिल से, बहुत गर्म जोशी से जो है हमको
गले लगाया, हम सभी का आभार करते हैं। हमें जीवन में पहली बार ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ। जबलपुर के कैंट थाना क्षेत्र के शीला टॉकीज नंबर 30 के पास ग्राउंड में एक शादी समारोह में परिवार के साथ गई युवती के साथ उसके पुराने प्रेमी ने उसे पैरों में चाकू मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद युवती ने मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस को की है। वहीं युवती ने बताया कि वो निहाल पांडे नाम के युवक के साथ पहले बातचीत करती थी, पर उसका रिश्ता कहीं और तय हो जाने के कारण उसने उससे बात करना बंद कर दिया, जिसके बाद वो युवक शीला टॉकीज के पास आया। जब वो एक समारोह से अपने परिवार के साथ निकल रही थी, वहां उसने उसके दोनों पैरों में चाकू मारते हुए उसे घायल कर दिया। कल इसने ऐसा करा हमारे साथ, हमारे बच्चा एक ही हमारी बड़ी लड़की है ये कमाने वाली, इसको कल को कुछ हो जाएगा तो हमारी छोटी लड़की और हम कहाँ जाएंगे। इसको मारा पे पहले हमारे बच्चे को चाकू मारा, फिर ये चिल्ला के दम से वो करी तो दूसरे पे पैर में भी मार के, और वो बच्चा हमारा नीचे गिर गया। हम गए बचाने तो हमको भी पेट में दो घूंसा मारा और ढकेल दिया। ये निहाल पांडे है। अब बच्चा हमारा बात करता था, अब वो नहीं करना चाहती तो तुम अपना रास्ता देखो, वो अपना रास्ता देख रही। क्या चाहते हैं? हाँ, मैं यही चाहती हूँ कि मेरा बच्चे के पीछे ना करे वो, और मेरे बच्चे से दूर रहे, मेरे बच्चे को आगे के लिए अब ये नहीं होना चाहिए कुछ। जबलपुर में महाराणा प्रताप जयंती शौर्य यात्रा निकाली गई, जो सिविक सेंटर से लेकर मालवीय चौक होते हुए महाराणा प्रताप जी की मूर्ति के पास समापन किया गया, जिसमें रवि वासवानी के द्वारा यहाँ पर भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर संस्कारधानी में महाराणा प्रताप जयंती शौर्य यात्रा में हमारे मित्र मंडली द्वारा भव्य स्वागत किया गया, जिसमें कि महिलाएं भी उपस्थित थी, युवा भी थे और बुजुर्ग भी थे, उनको सबको पुष्प गुच्छ से स्वागत वंदन अभिनंदन किया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। EMS TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS News ऐप डाउनलोड करें।